आज की क्लास में हम मुख्य रूप से हिमालय क्षेत्र को लेकर के बात करेंगे और हिमालय क्षेत्र में कौन कौन से जो थ्रस्ट हैं वो पाए जाते हैं और कौन सा थ्रस्ट किस हिमालय को अलग करता है और किससे करता है। और इस प्रकार के प्रश्न जो बड़े स्तर के एग्जाम होते हैं उनमें बिल्कुल पूछा जाता है। तो इस पर एक तो इस पर बात करेंगे। दूसरा, जो हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले जो मुख्य ग्लेशियर उनको लेकर भी हम बात करेंगे। तो आज की इस क्लास में ये दो मुख्य जो पॉइंट हैं ये रहेंगे और इसी को लेकर के हम क्लास को करने वाले हैं। और ये दोनों ही पॉइंट काफी महत्वपूर्ण होते हैं प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से, और ये काफी बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और मुख्य रूप से जो ज्योग्राफी विषय से संबंधित स्टूडेंट हैं और वो ज्योग्राफी विषय की, चाहे से वो नेट के एग्जाम देते हैं चाहे आरएस के एग्जाम देते हैं, तो आरएस के एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न आता है, नेट के एग्जाम देते हैं उसमें कोई ना कोई एक प्रश्न यहाँ से पूछा ही जाता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि छोटी क्लास रहेगी लेकिन काफी महत्वपूर्ण रहेगी। तो हम इन्हीं बातों को लेकर के आज चर्चा कर रहे हैं इस क्लास में कि हिमालय के जो भाग हैं, हिमालय के भाग कौन से हैं, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, एक तो ये हैं। और ये एक दूसरे से अलग किस लाइन, किस छेप या किस थ्रस्ट के द्वारा अलग होते हैं, किस फॉल्ट के द्वारा अलग होते हैं, बस बात यही है, मुख्य बात यही है और इसी को ध्यान में रखना है। और ये पूछा जाता है कि कौन सा फॉल्ट किसको अलग करता है, कौन सा थ्रस्ट किसको अलग करता है, ये किसके मध्य स्थित है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, बात कर लेते हैं कि हिमालय के भागों को एक दूसरे से अलग करने वाले थ्रस्ट कौन कौन से हैं। बात ये है, तो यहां ये जो हिमालय, ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय, तो ट्रांस हिमालय और सॉरी महान हिमालय, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में कौन सा छेद पाया जाता है, सिंधु सिवनी छेद, सिंधु सिवनी छेद। देखिए, इंडस सचर थ्रस्ट जिसको शॉर्ट में IST, ये बिल्कुल ध्यान में रखने योग्य बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बस प्रश्न यहीं से बनते हैं और आपको यही चीजें ध्यान में रखनी है। मैं ज्यादा इधर उधर नहीं घुमाऊंगा, जो चीजें जहां हैं, जो तथ्य जहां है वहीं बात करेंगे। इसको सचर जोन हिंज लाइन ये भी इसे कहा जाता है, ये ध्यान रखिए। सचर जोन आए, हिंज लाइन आए, या सिंधु सिवनी छेप आए, या इंडस, ऐसा भी सीधा लिखते हैं, इंडस सचर थ्रस्ट IST, ये किनके मध्य ये छेप, ये ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में है। इनके बीच में है, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में कौन सा छेप है, IST, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, कौन सा छेप है, IST, जिसका नाम है इंडस सचर थ्रस्ट, ठीक है। हिंदी में नाम है सिंधु सिवनी छेप, सिंधु सिवनी छेप किनके बीच में है, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करता है, ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करता है, ये प्रश्न आपको मिले। और कौन करता है अलग, तो सिंधु सिवनी छेप जो है ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करता है, ये बात तो ये अलग करने की होगी। इन दोनों के बीच में कौन सा छेप है, तो यही छेप है, सिंधु सिवनी छेप है, ठीक है। तो इसी प्रकार से सारे के सारे ये पॉइंट है वो प्रश्न बनते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसी प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं। या मिलान कीजिए, तो यहां इनकी ये आपको लाइन जोड़ के ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, ठीक है, ये बीच में कौन सा छेप है, तो इस प्रकार से आपको जोड़ करके भी एक इस प्रकार का एक सुमेलित कीजिए, प्रश्न बना करके आपके सामने प्रस्तुत हो सकता है। आप ये नहीं सोचें कि आप पढ़ रहे हैं वैसे ही प्रश्न आएगा, ये जरूरी नहीं है। प्रश्न को बनाने वाला घुमा करके प्रश्न को बनाएगा, तैयार करेगा, आपने जो पढ़ा हो वही चीजें आपके सामने आएंगी, ये बहुत बड़ी बात है।
क्योंकि स्टूडेंट क्या करता है, कई बार यही सोचता है कि मैं पढ़ूं वैसे ये पर्सन आए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखने योग्य बात है। तो पर्सन को कैसे कैसे पूछ लिया जाए बातें की। चलिए अब बात आती है कि महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कौन सा क्षेत्र है। क्या महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कौन सा क्षेत्र है? तो कौन सा क्षेत्र? देखिए ये मुख्य केंद्रीय क्षेत्र, मुख्य केंद्रीय क्षेत्र, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT। क्या MCT? ये किनके मध्य है? ये महान हिमालय और लघु जो हिमालय है उसके बीच में स्थित है। तो ये क्या करता है, महान हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है? मुख्य केंद्रीय क्षेत्र। कौन करता है? मुख्य केंद्रीय क्षेत्र, MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये थोड़ा सा आपको नाम ध्यान रखने होंगे, जरूरी है ये। इसके बाद में है कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग कौन सा क्षेत्र करता है, या लघु हिमालय शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित क्षेत्र है कौन सा है? तो ये क्या नाम है इसका? मध्य सीमांत क्षेत्र, मध्य सीमांत क्षेत्र, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, MBT। क्या नाम है? MBT। तो आपको इसमें सब में थोड़ा थोड़ा अंतर मिलेगा, आपको उनको ध्यान में रखना है। तो ये किसके बीच में? MBT, ये है लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में है यह क्षेत्र, लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करता है। अब आएगा एक कि शिवालिक हिमालय उत्तरी मैदान, जो भारत का उत्तरी मैदान है, वो किसके द्वारा अलग है? तो वो है हिमालयन अग्रभ्रंश। यहां फॉल्ट है, ध्यान रखिएगा, यहां जोर लगा हुआ था, छेद था, यहां फॉल्ट है, ध्यान रखिएगा। हिमालयन अग्रभ्रंश, हिमालयन अग्रभ्रंश किनके मध्य स्थित है? तो शिवालिक और उत्तरी भारत का जो मैदान है उसके बीच में स्थित है। कौन स्थित है? HFF, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट किनके मध्य स्थित है? शिवालिक और उत्तरी मैदान के बीच में। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये फॉल्ट जहां नाम आता है, फॉल्ट जहां नाम आएगा ना, वहां तो आपको ध्यान कर ही लेना चाहिए कि शिवालिक और उत्तरी जो मैदान है भारत का उसके बीच में स्थित है, बाकी कहीं फॉल्ट नहीं है, छेप है, बाकी दबाव है, धक्का है। हिमालय के प्रमुख हिमनद हैं जो बृहद हिमालय में है, और वो कौन कौन से हैं और उनकी लंबाई कितनी है वो देख लेते हैं। कि ससाइमी हिमनद है जिसकी लंबाई है 158 किलोमीटर, जो महान हिमालय में स्थित है, और ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। किसका? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, क्योंकि इसकी लंबाई भी आप देख सकते हो 158 किलोमीटर, बाकी सब इससे छोटे हैं। फिर है सियाचिन है, काफी ऊंचाई पर स्थित है, 72 किलोमीटर, इस पर 61 किलोमीटर, बल्टोरा 62 किलोमीटर, डियाफो 63 किलोमीटर, बाटुला 58 किलोमीटर। तो ये प्रमुख हिमनद हैं बृहद हिमालय के। चौका लुंगमा 42 किलोमीटर, रिमो 40 किलोमीटर, उन्मा है 27 किलोमीटर, गंगोत्री उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड में, ठीक है। फिर है जेमू जो कि सिक्किम में है। ये जो हिमनद है ये सिक्किम में है, पूछ लिया जाता है कई बार, सिक्किम में है जेमू, कहाँ का हिमनद है? तो सिक्किम का है। फिर है मिलाम और केदारनाथ, तो ये सब, मिलाम उत्तराखंड का है, केदारनाथ उत्तराखंड का है, ये आपको ध्यान रखना है, बाकी ये काराकोरम श्रेणी के हैं। तो ये ध्यान आप लोगों को रखना है, और ये प्रमुख जो हिमनद थे हिमालय के।